ब्लॉक है, अब रेस्ट है ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस इनिशियल वेलोसिटी बी, मोमेंटली ए हॉरिजेंटल पुश सेट, एक ब्लॉक है, हम हल्का सा इसको पुश किए, समझो ब्लॉक रखा हुआ है, पुश करके छोड़ दिए, इनिशियल वेलोसिटी दे दिए भी और पुश करके छोड़ दिए, तो क्या होगा, रफ सरफेस है तो क्या है? वो हमेशा चलता चला जाएगा क्या? नहीं यार, वो जाके कहीं जाके रुक जाएगा, ठीक है। एंड द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट आफ्टर, कितने टाइम बाद रेस्ट में आएगा, ठीक है। जैसे आपके घर में फर्श है, फर्श पे ले जाके एक ब्लॉक फेंक दिए, ये फर्श है और यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक फेंक दिया, जब मैं इसको फेंकूंगा तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी इधर की डायरेक्शन में है। अब मैं इसको छोड़ दिया यार, फेंक देने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो जैसे ही मैं इसको, जैसे ही आगे जाएगा, हर मोमेंट पे इस पर एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटल में, जो कि फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन इसको रोकेगा, रिटार्ड करेगा, फाइनली फ्रिक्शन यहाँ आके सक्सेस हो गया मान लो, और इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया और फ्रिक्शन भी लगना बंद हो गया, इनिशियल वेलोसिटी भी दिए थे, आया। तो इतना डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, ठीक है, ब्लॉक जाके रुक गया है, उसको टाइम टी लगा होगा, उस पर फ्रिक्शन इधर के डायरेक्शन में लग रहा जो इसको रिटार्ड कर रहा होगा। तो यही पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ब्लॉक रेस्ट में आएगा, मी और वी के टर्म में निकालना है, क्लियर है। चलो तो इसको अगर मैं करूं तो सबसे पहले तो फोर्स लग रहा है उसको लिखो, फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, और इस पर एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू हर मोमेंट पे म्यू है और म्यू एम जी के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एम ए, इसका मतलब ये हुआ एम ने एम को एक्सलेशन म्यू जी के इक्वल है, ये रिटार्ड कर रहा है, ये जो एक्सलेशन है वो इधर के पीछे की डायरेक्शन में हर मोमेंट पे इसको रोक रहा है और फाइनली सक्सेस हो गया और ये एक्सलेशन में म्यू जी लग रहा है। इसको आप डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखो कि अगर कोई ब्लॉक हॉरिजेंटल सरफेस में मूव करता है, ठीक है, तो उस पे अगर हॉरिजेंटल में एक ही फोर्स लगता है तो उस पे एक्सलेशन म्यू जी होता है, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें टाइम निकालना ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा। अब ये कांस्टेंट एक्सलेशन है, ये क्या होता है, कांस्टेंट एक्सलेशन है, म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन कांस्टेंट है यार। तो अगर ये कांस्टेंट एक्सलेशन है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊँ जिससे टाइम निकल जाए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दिखने से लग रहा है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वी था और एक्सलेशन प्लस ए टी, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअली रिटार्ड हो रहा है तो रिटार्ड हो रहा है तो यह माइनस आ जाएगा और ये आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी बाई ए, ये वो टाइम है टी वी बाई ए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, रिटार्ड हो रहा तो यहाँ माइनस साइन रख दूंगा, समझ रहे हो ना यार, यहाँ माइनस साइन रख दूंगा और ये आके वी बाई ए, तो टाइम टी की वैल्यू वी बाई ए इज इक्वल टू म्यू जी, ए की वैल्यू इधर निकाल लिए हैं, मतलब वी बाई म्यू जी दैट इज डी ऑप्शन सही है, ठीक है, आ गया समझ में।